हेलो सब फ्रेंड्स को, एक नया प्रोजेक्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। वी स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट एंड दैट इज़ टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने की कोशिश, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। दिस इज़ आवर ऑब्जेक्टिव। जो मीन्स है वो है एक नॉवल, एंड वील बी ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द बेस्ट नॉवल्स इंग्लिश लिटरेचर इज प्रोड्यूस्ड, एंड दैट इज़ टू किल द मॉकिंग बर्ड। टू किल अ मॉकिंग बर्ड रिटन बाय हार्पर ली। अब हम लोग क्या करेंगे कि यू विल लिसन, विल डू ईच एंड एवरी लाइन। ओके, ईच एंड एवरी लाइन को विल बी डूइंग इट इन इंग्लिश, एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग द सेम लाइन इन हिंदी। सो जैसे जैसे मैं बोलता चला जाऊँगा, आप मेरे को सुनते चले जाना, राइट? किस तरीके से मैं कह रहा हूँ, और उसको फिर आप रिपीट, खुद रिपीट करने की कोशिश करना। सो जोर जोर से खुद भी बोलने की कोशिश करना। कभी आपने एक छोटे बच्चे को देखा हो, वो हमारा बच्चा है, हम बोलते हैं तो वो हिंदी सीख जाता है, पर उसी बच्चे को अगर आप बचपन में ही किसी स्पेनिश या फ्रेंच माँ बाप को दे दो तो फिर वो हिंदी कभी भी नहीं बोल पाएगा। वो तो स्पेनिश बोलेगा या वो फ्रेंच बोलेगा। तो अगर कोई नई लैंग्वेज सीखनी है तो उसको सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग ग्रामेटिकल उसमें तो रूल्स में तो काफ़ी चले जाते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। ठीक है, सो विल ट्राई टू, आई ट्राई टू स्पीक एंड यू ट्राई टू लिसन। 15 मिनट रोज करिए, बोलिए, सुनिए और बोलिए, हो सके तो लिखिए भी। लिखने से भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे जैसे एक एक लाइन पढ़ते चले जाएंगे, देर विल बी वर्ड्स, उनकी हम मीनिंग करेंगे, प्रोनाउंसिएशन उसका चेक करेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन में दैट वर्ड हैज़ कम, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, डिफरेंट सेंटेंसेस विल ट्राई टू फॉर्म। ठीक है, और वो जब वर्ड दोबारा आएगा तो हम उसको फिर और बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे वो वर्ड हमारा मजबूत हो जाएगा, सेंटेंस फॉर्मेशन हमारा और ठीक हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन हमारा और ठीक हो जाएगा। ऑल दिस वी शैल डू वेल रीडिंग एंड इन्जॉइंग द बेस्ट नॉवल अमेरिकन लिटरेचर हैज़ प्रोड्यूस्ड। इससे अच्छा कोई नॉवल नहीं है। इवन एक सर्वे में बाइबल से भी ज़्यादा पॉपुलर इसको इसको माना गया है। थोड़ा सा नावल के बारे में देख लेते हैं। इट दिस नावल इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल टच है। इसमें हार्पर ली जो है वो अलबामा में उनका जन्म हुआ था। मनरोविल करके एक नाम, एक टाउन है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था 1926 में। ये लेडी है, और ये अलबामा जो स्टेट है ये डीप साउथ में है। देर इज़ अ क्लियर डिवाइड इन अमेरिका बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। ये सिविल वॉर में भी गए थे 1861 से 64 तक, जिसमें अब्राहम लिंकन ने टूटने से बचाया था अमेरिका को। लेकिन जो सदर्न स्टेट्स हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है खेतों पे और बड़े बड़े फार्म्स पे डिपेंडेंट हैं, तो स्लेवरी जो थी, ब्लैक स्लेवरी जो थी, वो वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। सो जो प्रिजुडिस अगेंस्ट ब्लैक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इन द साउथ। आज भी ओबामा के जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स आते हैं वो साउथ से आते हैं। सो ये अलबामा जो है ये डीप साउथ में ही सिचुएटेड है, यानी, और जो सेटिंग है वो 1830s की है। तो ये मान के चलिए कि 1830s में वाइट का कंप्लीट डोमिनेशन है उस सोसाइटी में, एक स्मॉल टाउन में। और यहाँ पे अगर ब्लैक कोई गलती करता है, स्पेशली अगेंस्ट द वाइट, तो फिर उसके बचने के चांसेस कम होते हैं, या उसको न्याय मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नॉवल वॉज पब्लिश इन 1960 एंड शी गॉट द पुलित्ज़र प्राइज़ इन 1961 में। सो इट वॉज अ वेरी पॉपुलर नॉवल तब एंड इवन आज भी। सो वो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम की सेटिंग है 1930s की, और जो टाउन, फिक्शनल टाउन है जहाँ पे ये सब इंसिडेंट्स होंगे, वो है मेकम, MAYCOMB, मेकम टाउन में। एक पीस ऑफ एडवाइस है कि आप नॉवल को शॉर्ट में मत पढ़िएगा, उसको कहीं देखिएगा मत, क्योंकि फिर नॉवल के पढ़ने का मज़ा ख़राब हो जाएगा। लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और उसको इन्जॉय करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा कैरेक्टर्स के बारे में बता दूंगा, और उसके बाद फिर हम लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। थैंक यू।